अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बार फिर हम लाइव आए हैं डॉक्टर जाकिर नायक के लाइव सेशन देखने के लिए, जो डॉक्टर जाकिर नायक ने कुछ साल पहले इंडिया में किए थे। तो हम एक बार फिर आपको वो दिखाने जा रहे हैं, बहुत ही दिलचस्प से सवाल और जवाब है, आइए साथ में देखते हैं इसको। अगर कोई गैर मुस्लिम भाई माइक नंबर एक में हूँ तो वो सवाल कर सकते हैं। जी नमस्कार जाकिर साहब, मेरा नाम है राजेश्वर, मैं नवी मुंबई नेरुल से आया हूँ और मुझे यहाँ पर लेकर आया है मेरे दोस्त श्री अजीम मुल्तानी ने। तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ, तो मेरा ये कहना है, हम जो लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान बोलता है मैं मुसलमान हूँ, सिख बोलता है मैं सिख हूँ, क्रिश्चियन बोलता है मैं ईसाई हूँ, तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचय देते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस धर्म को बनाया किसने है, और अगर बनाया है तो किस मकसद से बनाया है? क्या हम सिर्फ एक धर्म को मान नहीं सकते हैं जो कि इंसानियत धर्म है, और कोई धर्म को न माने, न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, और किसी भी धर्म को कबूल करवाना क्या ज़रूरी है? भाई साहब का अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और एक सवाल साथ में इसमें जुड़ा हुआ है सर, मैं पूछना चाहूँगा, बिना किसी धर्म को कबूले बगैर क्या इंसान नेक और सही रास्ते पे चल नहीं सकता है? और ये जो अपने अपने धर्म के गुरु हैं वो किस लिए अपने धर्म का प्रचार करते हैं और किस मकसद से करते हैं, ये मेरा प्रश्न है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि लोग कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, तो ये धर्म को किसने बनाया? धर्म होना चाहिए कि सिर्फ, बिल्कुल सही है, धर्म होना चाहिए कि, और वो होना चाहिए इंसानियत। भाई साहब पूछते धर्म होना चाहिए कि, फिर पूछते क्या धर्म को कबूल करना जरूरी है, और क्या एक धर्म में मानना जरूरी है। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि कोई कहता है मैं मुस्लिम हूं, कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं ईसाई हूं, कोई कहता है सिख हूं, ये धर्म को किसने बनाया, और धर्म होना चाहिए एक। आपका पहले भाग जो सवाल का बिल्कुल सही है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन दीन इंदल्लाह अल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही दीन सही है, वो है अपनी जिंदगी अल्लाह के, खुदा के, ईश्वर के, भगवान के एहकामात के मुताबिक बसर करना। तो दीन होना चाहिए एक ही। ये इतने दीन किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह, सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मजहब बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांति हासिल करना, सलामती हासिल करना, अपने खालिक के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने के बाद। इसीलिए दीन मजहब खालिक ने सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होते गई, मिलावट होते गई, मिलावट होने की वजह से अल्लाह ने दूसरे नबी भेजे, दूसरी किताब भेजी, फिर मिलावट हुई और दूसरे पैगंबर भेजे और एक किताब भेजे उसे सही करने के लिए। इस तरीके से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, कई किताबें भेजे, आखिरी किताब कुरान मजीद। कुरान में लिखा है सूरह रात में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7, बोली कुल कौम मिनहाद, कि हर कौम पे मैंने पैगंबर भेजा, सूरह रौद सूरह 13 आयत नंबर 7, और सूरह रौद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की, आखिरी किताब है कुरान, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे खालिक ने एक ही मजहब भेजा, हमने उसमें मिलावट पैदा की। मजहब का अगर सही मानी ले, हिंदू की क्या मानी, हिंदू की मानी ये है कि जो इंसान हिंदुस्तान में रहता है, जो इंडस वैली के इस तरफ रहता है, उसे कहते हैं हिंदू। ये लफ्ज सबसे पहले बार इस्तेमाल किया था अरबों ने हिंदुस्तानी के लिए, इस लफ्ज के एतबार से मैं हिंदू हूं। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदू वो है जो बुत परस्ती करता, वो गलत है। तो सही मानी हिंदू के मैं हिंदू हूं। ईसाई के मानी क्या, ईसाई के मानी जो ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम पे अमल कर रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो चीज सिखाई उस पर अमल करता है।
मैं कहता हूं कि मैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं उससे ज्यादा ईसाई हूं, क्योंकि मैं ईसा अलैहि सलाम के बातों पे और अमल करता हूं बनिस्बत वो लोग जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, तो उस लिहाज से मैं और पक्का ईसाई हूं। जू का मतलब क्या? जू का मतलब वो जो खुदा से अल्लाह से मोहब्बत करता है। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। मुस्लिम के मानी क्या? मुस्लिम के मानी वो इंसान जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। मैं मुस्लिम हूं। आप समझ रहे? ये मिलावट बाद में आई, जो ईसा अलैहि सलाम ने सीखा उसमें मिलावट आई। तो धर्म सिर्फ एक होना चाहिए। आपका दूसरा भाग, हम क्यों ना सिर्फ इंसानियत पे अमल करें। भाई साहब, आप अच्छे मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनने पड़ेगा। अच्छा इंसान बनना मतलब, एक मिसाल दे रहा हूं जो मैंने कल दिया था, अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना, अच्छा मुसलमान बनना मतलब पीएचडी। तो पीएचडी करने के लिए पहले 10वीं तो पास करने पड़ेगा। 10वीं पास करने के बाद ही पीएचडी कर सकते। आप बोले 10वीं के बाद मैं खुश हूं, नहीं, मैं पीएचडी के बाद खुश हूं। तो अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जैसा मैंने शुरू में कहा, आप एक मुझे इस्लाम की तालीम बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, एक भी नहीं। तो इस्लाम मजहब ही इंसानियत का है, लेकिन इंसानियत के अलावा और चीज आपको सिखा रही है। क्या कह रही है? शराब मत पियो। अब इंसानियत में शराब पी सकते क्या? नहीं, इंसानियत की किताब में आप शराब पी सकते। हमारा खालिक बोलता है नहीं, शराब पीने से क्या होता है, आज जितने बलात्कार हो रहे 80% से ज्यादा जो आदमी बलात्कार कर रहा है या वो औरत जिस पे बलात्कार हो रहा है या दोनों, तीनों में से एक शराब के नशे में था। इधर वो बलात्कार करने वाला शराब के नशे में था या जो औरत पे बलात्कार हुआ गए या दोनों शराब के नशे में थे, 80%। इसलिए हमारा खालिक, हमारा रब कहता है शराब मत पियो। इंसानियत कहती है शराब पियो। आप किस में मानेंगे, इंसानियत या रब में? तो इसीलिए मुस्लिम बनना इंसानियत का पीएचडी है। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, अच्छा इंसान पहले बनो फिर मुस्लिम बनो। अच्छा मुसलमान बनने के लिए रब की इबादत करना जरूरी है। आपने पूछा कि कोई मजहब को फॉलो करना जरूरी है? बिल्कुल। अगर आपके पास रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप जब स्कूल में जाएंगे आप बोलेंगे स्कूल के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है क्या? मैं एक दिन पीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन नीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन लाल, नहीं, रूल फॉलो करो सब लोग साथ में, ए बी सी डी, नहीं, मैं ए सी डी बी पढ़ूंगा, जेड पढ़ूंगा, नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी, कायदे से पढ़ो। आप कोई कायदा फॉलो, आप बोलेंगे रूल फॉलो करना जरूरी है, मैं लेफ्ट हैंड पे नहीं चलाऊंगा, राइट हैंड पे चलाऊंगा। हिंदुस्तान में तो राइट हैंड ड्राइव, अमेरिका में तो लेफ्ट हैंड ड्राइव। नहीं, लाल के ऊपर मतलब मैं जाऊंगा, ग्रीन मतलब मैं ठहर जाऊंगा। रूल नहीं फॉलो करेंगे तो कैसा जिएंगे, कैसा गाड़ी चलाएंगे? तो जब गाड़ी चलाने के लिए रूल फॉलो करने पड़ता है तो जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं फॉलो करेंगे? ये जाहिल इंसान कहेगा, होशियार इंसान ने, और मैं समझता हूं आप तो होशियार इंसान है। गाड़ी चलाने के लिए रूल चाहिए, स्कूल में जाने के लिए रूल चाहिए, जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं। आप बोलेंगे मैं नाक में से खाऊंगा, चलेगा नहीं, मैं मुंह में से खाऊ। आप समझ रहे? तो ये हमारा खालिक। आप जब बीमार होते किसके पास जाते? डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर को इल्म है इंसान के जिस्म के बारे में, वो खालिक और सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए खालिक जो कहता है, हम आपको बनाने वाला जो कहता है, उसके अहकामात पे चलने से अच्छे मुसलमान बन सकते और सबसे ज्यादा सफल मुसलमान बन सकते और इंसान बन सकते। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खालिक में? खालिक का मतलब मुझे नहीं पता। बनाने वाला, आप एक ईश्वर में मानते, एक खुदा में मानते या अनेक खुदा में मानते? नहीं, मैं तो सभी जगह जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को मानता नहीं। मैं भी मंदिर जाता हूँ मस्जिद जाता हूँ। एक पावर जो है जो हमको रूल करती है, मैं उस चीज को मानता हूँ। एक पावर, दो पावर नहीं ना, एक पावर जो है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। एक पावर को मानते हैं, दो पावर को मानते हैं? एक ही पावर को मानता हूँ। मैं भी एक पावर को मानता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, लेकिन मंदिर जाके बुत परस्ती नहीं करता हूँ, मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो पावर कहते हैं मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे, बराबर है ना?
तो हिंदू मजहब कहता मूर्ति पूजा मत करो, ईसाई मजहब कहता मूर्ति पूजा मत करो, कुरान कहता मूर्ति पूजा मत करो। एक पावर, उसको पावर कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, लेकिन एक है ना कि दो है? एक ही है। बिल्कुल, एक पावर को मानते बिल्कुल, अने एक ईश्वर को मानते बिल्कुल, एक खुदा को मानते बिल्कुल, एक अल्लाह को मानते बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? गलत तो है लेकिन मैं करता हूँ। हाँ यही तो बात है, आप मानते हैं गलत, अल्हम्दुलिल्लाह करते वो गलत चलते, वो चलते आ रहे हैं बचपन से। चलते आ रहे हैं, मेरे परदादा भी कहते थे कि जमीन चपटी है, लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूँ डॉक्टर बन गया। बट हम मूर्ति की पूजा करने की वजह से मैं मानता हूँ कि मैं गॉड फियरिंग हूँ, मुझे डर है, मेरे वालिद गलत काम से बचता हूँ। हाँ गलत काम करते हैं लेकिन गलत काम से बचते, दोनों में टकराव है। आप गलत काम से बचते फिर बोलते गलत काम करते। मूर्ति पूजा करने से मैं गलत काम से बचता हूँ, आपने कहा मैं मानता हूँ। आपने कहा मूर्ति पूजा करना गलत है, मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, गलत काम से बचता हूँ, तीनों में टकराव है। मैं हिंदी में जरा कमजोर हूँ, आपने कहा कि मूर्ति पूजा करना गलत है लेकिन फिर भी मैं करता हूँ और गलत काम से बचता हूँ, दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है। शराब पीना गलत है फिर भी पीता हूँ और गलत काम नहीं करता। अरे पीऊंगा तो बलात्कार करूंगा ना। मैं नहीं पीता हूँ। आप नहीं पीते, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वेद में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, तो क्यों करते? बचने का है तो उस पावर, उस ताकत, उस अल्लाह, उस खुदा, उस भगवान के अहकामात पे अमल करो। मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा आपको? आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद आखिरी पैगाम है उस पावर का। तो अगर आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है तो गलत काम से का सही रास्ता मिल सकता है। चोरी करना गलत है लेकिन मैं क्या करता हूँ? चोरी करता हूँ और गरीबों में बांटता हूँ, सही है? गलत है। गलत है, चोरी करना गलत है आप मानते हैं। क्या चोरी करता हूँ लेकिन गरीबों में बांटता हूँ? अरे गरीबों में बांटने का तो मेहनत करके बांटो ना, चोरी करके मेहनत मत करो, मेहनत करके मेहनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बांटो। उसी तरीके से जो आप जानते हैं मूर्ति की पूजा गलत है फिर क्यों करते? क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं। मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपटी है, लेकिन मैं कहता हूँ दुनिया गोल है कि चपटी है? गोल। आपके परदादा क्या कहते थे? चपटी क्या गोल? गोली कहते थे परदादा। आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे कभी? हजार साल पहले? बिल्कुल। आपके दादा का नाम क्या था? पता नहीं। हाँ तो आप खाली हवा में फेंक रहे हैं। इंसानियत। दोस्तों स्ट्रीम को लाइक करें और शेयर भी करें। हजार साल पहले कहती थी कि दुनिया चपटी है। आपके परदादा का नाम क्या? मैं नाम लिखूंगा ना साइंटिस्ट बुक में। आपके परदादा का नाम क्या है? पता। आपके परदादा क्या कहते थे? दुनिया चपटी है क्या गोले? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में क्योंकि मैंने सुना नहीं है क्या कहते थे। लेकिन साइंस कहती है मेरे परदादा और आपके परदादा कहते थे कि चपटी है। आप मानते हैं चपटी है? नहीं, क्योंकि आप तरक्की कर चुके हैं। जब तरक्की करते हैं गलत चीज को छोड़ देने का है। अभी बुत परस्ती करेंगे या छोड़ देंगे? कोशिश करूंगा छोड़ने की। हाँ ये बात हुई ना, ये मर्दानी बात हुई ना। माशाल्लाह ये अच्छी बात है कि भाई साहब मानते एक पावर में, एक खुदा में, एक ईश्वर में, एक भगवान में, बुत परस्ती गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए जी। मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा, अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में दूंगा, हिंदी जानते हिंदी में दूंगा। पढ़िए, इससे आप हिदायत पाएंगे और इंशाल्लाह जो भी मुश्किल आते हैं आप मुझे पूछ सकते हैं या हमारे इदारे को लिख सकते हैं। और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि सही किताब है, फिर आप एकदम अच्छे, अभी आप इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे PhD बनेंगे, उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू जी। माइक नंबर दो में जो भाई खड़े हैं। दोस्तों दूसरा सवाल देखने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो नए दोस्त हमारे लाइव में आए हुए हैं उसको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ और इस स्ट्रीम को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको भी सवाब मिले। और हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो गैर मुस्लिम तक, गैर हिंद मुस्लिम तक अपना दीन पहुँचाए। तो आपसे गुजारिश है कि आप स्ट्रीम को लाइक करें और कमेंट भी करें। आपका जो भी सवाल हो मैं उसका जवाब इंशाल्लाह आपको दूंगा। मैं इसको स्टार्ट करता हूं। सवाल करें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सिमंत हेमरम, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं ईमान लाना चाहता हूँ।
साहब मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी दबाव? नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं। कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं। नहीं ना? नहीं। कोई प्रेशर नहीं? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? हाँ एकदम। अपने जहन से? हाँ। खुले दिमाग से? हाँ। क्योंकि हमारे मजहब में इस्लाम में किसी को जबरदस्ती मुस्लिम बनाना हराम है, ना ही इस्लाम में हराम है, इस देश हिंदुस्तान में भी हराम है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने दिल से कोई मजहब बदलना चाहता है तो ये मुल्क उसको पूरी इजाज़त देता है। हमारा हिंदुस्तान बहुत कम ममालिक है दुनिया में जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी सिटीजन इन इंडिया हैज अ राइट टू प्रीच प्रैक्टिस एंड फॉलो द रिलीजन। हर हिंदुस्तानी नागरिक को इजाजत है कि वो जो भी धर्म चाहे उसके ऊपर अमल कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। ये हिंदुस्तान बहुत कम ममालिकों में से है। ये बाकी मगरबी ममालिक कहते हैं फ्रीडम फ्रीडम, कोई फ्रीडम नहीं। ये वेस्टर्न कंट्री अमेरिका इंग्लैंड कहते हैं लेकिन फ्रीडम नहीं है। हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड और हम खुश है क्या इस देश में ट्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये अमेरिका इंग्लैंड कहती फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभी मेरे पीछे पड़ गई है। अमेरिका भी पीछे पड़ गई है मेरे, इंग्लैंड भी पीछे पड़ गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको हजम नहीं होता है। उनके स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहा हूं मैं, FBI के स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहा हूं, FBI को पसंद नहीं आ रहा है। डर है क्या कल मुझ पर कोई लेबल लगा दे? ताकतवर है ना, कोई भी लेबल ताकतवर लगाता है वो लेबल चिपक जाता है। मैंने कहा ना मेरे तकरीर में, लेकिन फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इंशाल्लाह भाई मैं अरबी में कहूंगा कलमे को और आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाह इलाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह वा अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह के इलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुके। जी हाँ भाई साहब बोलिए। मेरे को बंगला में कुरान किताब चाहिए और सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। माशाल्लाह बहुत से बंगाली आ रहे हैं वो भी मुंबई में। लगता है बंगाली चैनल शुरू करने के बाद बंगाली लोगों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे रहा है। इंशाल्लाह भाई साहब आ सकते स्टेज के ऊपर, मैं आपको बंगाली कुरान का तर्जुमा दूंगा। हमने तकरीबन 6 साल पहले अंग्रेजी चैनल शुरू किया था Peace TV और तकरीबन 3 साल पहले Peace TV उर्दू और तकरीबन 9 महीने पहले Peace TV बंगला, वो हदीस अल्लाह के रसूल की कि इंशाल्लाह एक दिन इस्लाम हर घर में पहुँचेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस नाचीज को जरिया बनाए इस हदीस को पूरा करने के लिए। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, अल्लाह सुबहाना व ताला को हमारी ज़रूरत ही नहीं। द रबिश दैट वी आर, हम जो रबिश है अल्लाह को हमारी ज़रूरत ही नहीं। हम अल्लाह से दुआ करते कि हमें जरिया बनाए, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, अल्लाह ही काफ़े। अल्लाह को Peace TV की भी ज़रूरत नहीं, ना अल्लाह को जाकिर की ज़रूरत है। हाज़ा मिन फ़ज़्ली रब्बे, ये फ़ज़ल है अल्लाह का। और हम जो इतने गुनाहगार हैं फिर भी हम अल्लाह से दुआ करते कि हमारी जो थोड़ी बहुत जिहाद है, जिहाद लोग के कान खड़े हो जाते, तो जिहाद कर रहे जिद्दोजहद कर रहे अल्लाह के राह में, वो उसे कबूल फरमाए। इंशाल्लाह भाई साहब अब आ सकते हैं स्टेज के ऊपर, मैं आपको बंगाली कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपकी मुश्किलात को हल करे और इंशाल्लाह इस दुनिया और आखिरत में आपको सफलता दे इंशाल्लाह।
माशाल्लाह दोस्तों, इस डॉक्टर ज़ाकिर नायक ने इस आदमी को मुसलमान करवाया और कुरान मजीद भी इसको दे रहा है। दोस्तों, हम सारे मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि हम अपना इस्लाम गैर मुसलमानों तक पहुँचाएँ। तो आप इसको शेयर करें या लाइक करें या कमेंट करें, आपका ये फ़र्ज़ इंशाल्लाह अदा हो जाएगा इस आपके एक लाइक से, एक शेयर से। तो डॉक्टर ज़ाकिर नायक आगे बोलेंगे भी इंशाल्लाह कि आपको फिर समझ आएगा कि हम हर मुसलमान पर हमें फ़र्ज़ है। तो मैं ज़ाकिर नायक को वापस स्टार्ट करता हूँ। ज़ाकिर नायक के लिए लाइक करो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो। जी माइक नंबर 3 में कोई भाई, गैर मुस्लिम भाई सवाल करना चाहें कर सकते हैं। नमस्कार, सलाम अलैकुम डॉक्टर ज़ाकिर। मेरा सवाल है, क्या मैं मोहम्मद साहब नहीं हूँ? क्या आप मोहम्मद साहब नहीं हैं? या ये जितने लोग हैं यहाँ पर वो मोहम्मद साहब नहीं हैं या भगवान नहीं हैं? इसका अगला पार्ट ये है, अगर मैं उसी भगवान, उसी अल्लाह, उसी जीसस क्राइस्ट का थोड़ा अपमान करूं, उसी के रास्ते पर को पाने के लिए, तो क्या मैं गलत करूंगा? भाई साहब का 2 सवाल है क्या? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। दोस्तों, आप मुझे बताएं कि मेरा वॉइस सही है और डॉक्टर ज़ाकिर नायक का वॉइस सही आ रहा है आपके पास? तो अगर क्वालिटी ख़राब है, वॉइस सही है, आप मुझे बताएं, मैं इधर सेट कर लूँगा इसको। आपको आपके पास खाली कमेंट में आप लिख लें, ओके लिख लें, मैं इंशाल्लाह छोड़ दूंगा उसको। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं क्या? यहाँ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुबहाना व ताला के भेजे हुए आखिरी पैगंबर है और इंसानों में सबसे बेहतरीन मिसाल है। हम उनके ज़रा भी करीब नहीं हैं। थैंक्स ब्रो, आपके कमेंट का क्या आपने बोला क्या सही है ना, यहाँ कोई उनके करीब है? वो एक मिसाल है इंसानियत के लिए कि किस तरीके से अच्छा और सच्चा मुसलमान बनना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे और सबसे अजीम पैगंबर है। आपका दूसरा सवाल कि अगर मैं उनका अपमान करूंगा तो क्या गलत है क्या सही है? नहीं, उन्हीं के रास्ते को पाने के लिए। उन्हीं का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे मैं कोई आर्टिकल लिखता हूँ जिसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी होती है भगवान के ऊपर या अल्लाह के ऊपर, और उससे मैं जो पैसा कमाता हूँ वो उसी के रास्तों, उसी के बंदों के लिए लगाता हूँ, तो क्या गलत होगा ये? भाई साहब ने कहा कि अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करता हूँ, इस्लाम के खिलाफ आर्टिकल लिखता हूँ, जो पैसे कमा, भगवान के लिए कहना चाहता हूँ। भाई साहब, आपने सवाल किया, जवाब देने देंगे क्या? नहीं, हाँ दीजिए। आप सवाल के बीच में कर रहे, आप मेरा जवाब सुन रहे ही नहीं। मैं डॉक्टर हूँ, एक इंसान सवाल पूछते हुए जवाब सुन ही नहीं सकता। आप इंसान है ना? आप लोग के ध्यान में तो बोलते जाते, जवाब खत्म होगा, क्या बोला समझा ही नहीं। सारे लोग समझ जाएंगे, आप समझेंगे नहीं। सवाल खत्म हो गया तो आपको चुपचाप रह के जवाब सुनना चाहिए। सही जवाब सुनना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि मैं अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ लिखता हूँ, जो पैसा कमाता हूँ फिर इस्लाम के काम में लगाता हूँ, सही है? वो पहली मिसाल अगर आप सुनते तो सवाल ही नहीं पूछते थे। मैं कह चुका हूँ कि अगर आप चोरी करेंगे और उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे गरीबों के लिए, क्या सही है? अगर कोई आपके पैसे चोरी करेगा, आपके लाख रुपये चोरी करेगा और कहेगा कि वो थोड़े पैसे मैं गरीब में बांटता हूँ, क्या आप खुश होंगे? खुश होंगे क्या? हाँ के नहीं? अगर वो मेरे लिए यूज कर करेगा मेरे तो... आपके लिए नहीं, दूसरे के लिए आप तो खुश रहेंगे? नहीं। क्यों? तो आपके साथ दूसरे की चोरी कर सकते फिर, इसीलिए सही काम के लिए। भाई आप एक सलेमान भाई, मैंने आपके कमेंट के लिए ज़ाकिर नायक को रोक दिया। जी मैं मानता हूँ आप ज़ाकिर नायक के पेन हैं और आप को इंशाल्लाह मैं तसल्ली से फिर आपको जवाब दूंगा, क्योंकि ज़ाकिर नायक को स्टार्ट करता हूँ। मेरे बोलने से अच्छा है कि ज़ाकिर नायक को आप सुने। ज़ाकिर नायक के सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सही राह होना चाहिए, गलत राह नहीं। तो अगर आप कहते मैं इस्लाम के खिलाफ लिखूंगा और इस्लाम के फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा, ऐसे इस्तेमाल की ज़रूरत ही नहीं खुदा को, ना तुम्हारी ना मेरी, अल्लाह काफ़ी है। अगर आप गलत काम करेंगे, चोरी करेंगे और चोरी का पैसा गरीबों में बांटेंगे, आप मेहनत करो, खुद कमाओ। ये गलत काम करके कमाना गलत है इंसान। ठीक है भाई, आपने बोला कि मेरे कमेंट का जवाब दें, तो मैं आपके कमेंट का जवाब दे रहा हूँ। बेशक आपकी बात 100% सही है, 100% जो आप बोल रहे हैं वो सारे सही है।
जी आप बोले, जी आप बोले, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ जाकिर नायक को, मैं साथ में आपको जवाब भी देता रहूँगा इंशाल्लाह। आप जाकिर नायक को भी सुने। के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। जी माइक नंबर 4 से खातून सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तेजश्री, मैं रिटेल में वर्किंग करती हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो नॉन कॉम से इस्लाम कबूल करता है तो उनके लिए जो सुन्नी है, 24 है, ये सब क्यों है? बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है तो ये सुन्नी है, ये 24 है, ये क्यों है? बहन कुरान मजीद में कहीं भी सुन्नी और 24 नहीं लिखा है। 24 नंबर का सूरा है लेकिन कुरान मजीद में 24 नहीं लिखा है, ना सुन्नी लिखा है। मुस्लिम उसे कहते हैं जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। तो कोई भी गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है उसे जो अल्लाह सुबहाना ताला के अहकामात है कुरान मजीद में और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात है सही हदीस में, उस पर अमल करना चाहिए। ना ही कोई सुन्नी, ना ही कोई 24, ना ही कोई 26। सही है मुस्लिम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पे आपको अमल करना चाहिए और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात में कहीं भी 24 नंबर नहीं है, कहीं भी सुन्नी नहीं। लव्ज है मुस्लिम, कौल इन्नी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ। सुन्नी या 24? That's the confuse. जी कन्फ्यूजन ना, तो ना सुन्नी को लो ना 24 को लो, सही इस्लाम को लो, कुरान और सही हदीस। आप कुरान पढ़िए बहन, कुरान का तर्जुमा पढ़िए, उसमें जो अहकामात लिखे ना जाकिर की बात पे जाओ। अगर कोई भी आदमी, कोई भी आलिम, कोई भी दाई अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात के मुताबिक पैगाम देता है आप उसको मानो। अगर जाकिर की बात जो सुनते हैं, मैं हवाला दे रहा हूँ कुरान मजीद का रेफरेंस नंबर हदीस चेक करो सही है तो जाकिर की बात को मानो, नहीं तो जाकिर को भी छोड़ दो। आपको मानना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल और वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कहते। तो जब भी कोई कहेगा सुन्नी, आप बताएंगे मुझे सुन्नी किधर लिखा है कुरान मजीद में? मिलेगा ही नहीं आपको। कुरान में लिखा है कौल इन्नी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ, सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में। इन्नद्दीन इंदल्लाह इस्लाम, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, फॉलो करो इस्लाम को और अपने आप को बुलाओ मुस्लिम। इसके अलावा इधर उधर मत भटको, कुरान के ऊपर अमल करो, उसका तर्जुमा पढ़ो और सही हदीस के ऊपर अमल करो अल्लाह के रसूल की। मैं पूछना चाहता हूँ आप मानते हैं खुदा में? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती करा इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी प्रेशर डाल रहा है? नहीं। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? हाँ। अपने पूरे होशो आवाज के साथ? हाँ। मैं अरबी में कहूँगा आप उसको दोहरा सकते हैं, अशहदु अशहदु अल्लाह। इस जाकिर नायक के इस कलमे के बाद जो जाकिर नायक की सूरत को पढ़ा रही है, पढ़ा रहा है, तो इसके बाद मैं आपके कमेंट के जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहू अब्दुहू व रसूलुहू व रसूलुहू। मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे है, और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब फरमाए और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी मेरे दुआ कीजिए। और यहाँ बैठे सभी लोगों को से मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि सब मेरे लिए दुआ करिए और मेरे फैमिली के भी दुआ करिए इंशाल्लाह। यहाँ लाखों लोग मौजूद है और करोड़ों लोग आपको पीस टीवी पे देख रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस बहन के लिए दुआ करे कि उसकी मुश्किलात हल हो जाए और उसकी फैमिली के लिए भी कि अल्लाह ताला उसको और उसकी फैमिली को हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन।
दोस्तों जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपकी कमेंट का जवाब दूंगा, भाई आपने वेटिंग का बोला है, ठीक है मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जो आपने बोला है कि आप इस कौन सा था वो चैनल, मैंने उस चैनल को देख लिया है, फिर मैं उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा जो उसने किया है, ठेठ उसकी धुलाई करूँगा इंशाल्लाह वीडियो में उसके, अगर वो गलत था, अगर वो इस्लाम पर सही चल रहा था तो इंशाल्लाह फिर तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे, अगर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ थे तो फिर हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और अपने दोस्तों को भी बोलेंगे कि उसके ऊपर वीडियो बनाएं, ये इस्लाम को बदनाम कर रहा है या इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहा है, मैं उसकी वीडियोज़ को देखूँगा इंशाल्लाह और फिर वीडियो इंशाल्लाह लाऊँगा इस चैनल पर। और एक भाई ने बोला हाय आप कैसे आफ्ताब भाई, आफ्ताब अली, तो ज़ाकिर नायक का ये सवाल स्टार्ट करता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसके बाद फिर मिलेंगे, आप कमेंट करें मैं आपको जवाब दूंगा जो भी कमेंट हो आपका। माइक नंबर 5 से पहले मैं उस भाई से गुजारिश करूंगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो आएँ डॉक्टर साहब के हाथ से कुरान का तर्जुमा लें। माइक नंबर 5 में कोई नॉन मुस्लिम खातून हो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ और कलमा पढ़ना चाहती हूँ, आप मुझे कलमा पढ़ाइए। माशाल्लाह, बहन कहती है कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, कलमा पढ़ना चाहती है। बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी ज़बरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। आप पे कोई भी दबाव है? नहीं। आपको कोई रिश्वत दे रहा है? नहीं। आपके दिल से कबूल करना चाहती? हाँ। आपके पूरे होशो हवास में? हाँ। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए, अशदु अशदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के इलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुकी है और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाल्लाह आपको सफलता दे, दुआ करता हूँ कि आपको जन्नत नसीब फरमाए। जी माइक नंबर 1 में से भाई सवाल करें। हाँ जाकिर भाई, मेरा नाम बापू है, मैं थाना से आया हूँ और मेरे साथ मेरे मोहम्मद शफी भाईजान है, उनके साथ में मैं यहाँ आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत था? भाई साहब का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ख़वातीन के शोबे से सवाल था, मैं ख़वातीन को ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की लेडीज़ विंग भी है और आपको जान के खुशी होगी कि हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 30 से ज़्यादा मुकर्रिन हैं, 30 से ज़्यादा ख़वातीन हैं जो माशाल्लाह तकरीर करते हैं और हमारे पास कई प्रोग्राम हैं ख़वातीन के लिए खुसूसन, और इस ख़वातीन के शोबे की प्रेसिडेंट मेरी अहलिया है फरत नायक और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं और मैं चाहता हूँ कि इतनी ख़वातीन बड़ी तादाद में है माशाल्लाह, पूरा दरिया है, मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई प्रोग्राम होते हैं, मिसाल के तौर पे इस्लामिक ट्रेनिंग होती है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में मैरिज प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फहमुल कुरान होता है 30 दिन का, और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं। आप
लेडीज विंग के स्टॉल पे जा सकती है और हर हफ्ते दो बार तकरीर होती है, सैटरडे शनिचर को और मंडे पीर को। हफ्ते में दो बार होता है तकरीबन 3:30 बजे। और जो प्रोग्राम्स होते हैं फैमिल कुरान, मैरिज प्रिपरेटरी कोर्स, इस्लामिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी डेट मुकर्रर की जाती है। आप लेडीज़ विंग में कॉन्टैक्ट कर सकती है और मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप इंशाल्लाह इस्लाम के करीब रहेंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा, दोस्तों स्ट्रीम को लाइक करें, तकरीबन 600 के करीब व्यूज़ हो गए लेकिन कोई लाइक बहुत कम है, आप लाइक करें जाकिर नायक के लिए, आपने लिए करें, आप लाइक करें यार। साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है और वो चमत्कार करते थे और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे, कैसा? भाई साहब इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके ज़रिए आप ऐसे चीज़ कर सकते हैं जो अपनी आँखों से नज़र आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह 33:40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूँ, उसे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था, आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूँ। इसे कहते हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं आठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल, आठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था रुमाल के अंदर, आठानी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, आठानी गायब। फिर आपके कान से आठानी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को दो टुकड़े में काटो, वापस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूँ, पीसी सरकार, नाम सुना पीसी सरकार, जो बहुत बड़ा मैजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे, चमचे को मोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे भूभूतुई, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है, कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा एक केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है, साईं बाबा की मूर्ति बनाना है ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते, तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकाम पर अमल करना चाहिए। कुरान मजीद, आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाह, आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ एक तो है। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता ना हूँ, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए, कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो जबान में जानते हैं, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेज़ी जानते अंग्रेज़ी में लीजिए, इसे पढ़िए, इस पर अमल करें, इंशाल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। जी माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं सवाल कीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम आशीष है। मैं दोस्तों इस सवाल को सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस स्ट्रीम को लाइक करें ताकि आपको भी सवाब मिले, मुझे भी सवाब मिले और इस तरह के और भी मुसलमान भाई आए या हिंदू भाई आए ताकि इस जाकिर नायक के इस स्पीच को देखने के बाद वो भी मुसलमान हो जाए।
ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। हम सारे मुसलमानों को लाइक एंड शेयर दबा देना चाहिए यार, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। नेरुल से आया हूँ, मैं BPO एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ़ है लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफ़ी है, जिना करता है उसे माफ़ी है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, जिना करता है माफ़ी है। वालेकुम अस्सलाम मकबूल मीर भाई, आपने इतना खूबसूरत सलाम लिखा है, मैंने डॉक्टर जाकिर नायक की स्पीच को रोक के आपको वालेकुम अस्सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम, तो जाकिर नायक को वापस स्टार्ट करता हूँ। शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन दो आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें ये नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क के हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए, अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूँ, अच्छे काम करता हूँ, इंसान हूँ, गलतियाँ भी करता हूँ। आप अगर इस्लाम कबूल करे, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफ़ी चीज़ ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन, तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि अगर आप जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उस खालिक को गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बतावे रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होएगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होएगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज़्यादा बहका हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको माफ़ करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी मानते हैं। क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखा है छंदों के उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम अविद्वितीयम, खुदा एक है उसके अलावा कोई नहीं है, लिखा है सता सतार उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9, नाचस्य कस्य जनिता न चदीपा, उस ईश्वर उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है सता सतार उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते भाई साहब? जी इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूँ कि
क्या आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूँ, हवाले के हवाले दे रहा हूँ, आप नोट कीजिए जी, आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवद गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूँ कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो, इंशाल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कीजिए, हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ मिलेंगे आपको, किधर लिखा है मूर्ति पूजा हराम में, बटन दबाओ कंप्यूटर में निकलेगा बाहर, वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मैं दुआ करता हूँ कि आपको हक जल्दी मिले ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। शुक्रिया जी। माइक नंबर 3 में जो भाई वो सवाल करें। मेरा नाम सुदीप चौधरी है। दोस्तों इस सवाल को भी देख लेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों ने कमेंट किए, एक भाई ने सवाल जवाब किया है, मैं सबको आपको मकबूल मीर, शुक्रिया भाई मेरे सलाम का जवाब देना। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं यार, आपने सवाल किया है तो इंशाल्लाह मैं क्यों जवाब नहीं दूंगा आपको। भाई इस तरह है कि आप स्ट्रीम को लाइक ज़रूर करें, ताकि देखो इसमें है बहुत से हिंदू लोग भी देख रहे हैं, तो इस तरह हिंदुओं को अगर ये आपके लाइक की वजह से हिंदुओं के पास ये लाइव स्ट्रीम चली जाए तो आप में आपको भी इसमें सवाब मिलेगा। नहीं मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि सवाब, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि सवाब मिले और सवाब भी मिले। तो स्टार्ट करते हैं जाकिर नायक को, अभी मैं क्या बोल, फिर इंशाल्लाह जाकिर नायक के सवाल जवाब ख़त्म होने के बाद फिर तसली से हम लोग गुफ्तगू कर लेंगे। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा और राशि से देख के जो भविष्य बताते हैं वो सही है या झूठ, क्या उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं? भाई साहब का सवाल है कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं जो ज्योतिष होते हैं वो सही है क्या गलत है? ये जो है ना ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे पूछेंगे, वो पंडित कहेंगे या मशीन कहेंगी कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है, 100 अच्छा भी होगा तो एक गलत तो होगा ना। फिर दूसरे मशीन पे जाएंगे तो वहाँ लिखा है कि 10 दिन में आपके साथ कोई अच्छा काम होने वाला है, 10 चीज़ गलत होंगी एक तो अच्छा होगा। एक मिसाल दूंगा मैं आपको, अमेरिका में एक साइकोलॉजिक प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, एक हफ्ते बाद कहता है कि मैं आपके बारे में लिखूंगा, चिट्ठी पे हर स्टूडेंट के बारे में उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखूंगा, लेकिन आप चिट्ठी को बंद रखो, एक साथ चिट्ठी खोलो और नंबर दो कितने फीसद में सही था। तो सब बच्चे 100 बच्चे थे अपनी चिट्ठी खोलते, उसमें से आता है कि मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट सेड दैट द टीचर वॉज मोर देन 90% करेक्ट, 95% जो थे तालिब इल्म उन्होंने कहा कि 90% से ज़्यादा जो प्रोफेसर ने लिखा है वो सही लिखा है। इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चे लोग के लिए वही चीज़ लिखा। ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, ये रेखा देखना, इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लिदिन आमनु इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंजाबु वल असलामु डेडिकेशन ऑफ स्टोन्स डिवाइनेशन ऑफ एरोज बुत परस्ती और फांसे फेंकना रिश्त में मिली शैतान, ये शैतान के हटकंडे है, रिश्त में मिली शैतान फर्स्ट निबुल्लकुम तफलून, और आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। तो ये फांसे फेंकना ज्योतिषगिरी ये हराम है, शैतान के हथकंडे, आप इससे बचो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है जी? आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है अल्लाह के?
नहीं, मैं ये जानने के लिए कुरान का हिंदी तर्जमा चाहता हूँ। इंशाल्लाह आप जो भी जबान पे आपको महारत है, हिंदी जबान पे तो हिंदी तर्जुमा लीजिए, मराठी जबान तो मराठी में लीजिए, आप यहाँ सकते हो तर्जुमा ले सकते। और मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे कि तर्जुमा पढ़िए, इंशाल्लाह इस तर्जुमे के बाद हिदायत पाएंगे और इंशाल्लाह आपको सही राह दिखेंगे इंशाल्लाह। जी माइक नंबर 4 से खातून सवाल करें। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब, मैं की थी और मेरे पति मुस्लिम के हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, डॉक्टर जाकिर नायक ने इस आदमी को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया। दोस्तों स्ट्रीम को लाइक करें, लाइक करें, लाइक करें। तो मैं मेरे बच्चों के साथ ये कलमा पढ़ना चाहती हूँ मुस्लिम का। माशाल्लाह, ये औरत भी मुसलमान होना चाहती है। बहन ने कहा कि वो हिंदू है और उसके शोहर मुस्लिम है, वो मुस्लिम बनना चाहती है। बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने साल पहले आपकी शादी हुई? 10-12 साल हो गए। 12 साल, तो 12 साल तक क्या आप अपना मजहब हिंदू मजहब? नहीं नहीं, मुस्लिम में रहे सर मैं। और ऐसा पिस्टी हुई तुम्हारा, देखो कितने बार तुम्हें ऐसा कबूल कर लिए सर, फिर भी आमने सामने करना चाहती हूँ। कितने साल से पिस्टी हुई देख रहे? अभी 4-5 साल हुआ। तो 4-5 साल से आप पीस टीवी देख रहे हैं और पीस टीवी देख के पीस टीवी की तालीमात पे अमल करते? हाँ। माशाल्लाह, अभी आप सबके सामने कलमा कहना चाहते हो? आप सबके सामने कलमा कहना चाहते? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं अल्लाह एक है? बेशक। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगम्बर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं। क्या आपको दबाव है आपके शोहर की तरफ से? नहीं नहीं सर। कोई भी रिश्वत दे रहा है आपको इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं सर। तो आप खुले जहन के साथ इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं और बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान बन चुकी है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आपको इंशाल्लाह हिदायत दे, आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इस औरत को भी मुसलमान करवा दिया डॉक्टर जाकिर नायक ने। और सर मेरे पति को मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, उनके तरफ से मैं इतने बड़े इस्लाम में आई इंशाल्लाह। और मुझे नसीब दाखिल हुआ कि मुस्लिम में मैं नमाज पढ़ूँ, ये इतनी अच्छाई देख सकूँ। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ आपके शोहर के लिए भी और मैं दुआ करता हूँ कि आप दोनों कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और हिदायत पाइए और इंशाल्लाह आप दोनों को इस दुनिया और आखिरत में सफलता मिलेंगी इंशाल्लाह। और सर ये पीस टीवी में हमेशा देखती हूँ और कब से देख रहा हूँ, जब से बहुत हमारे घर में बदलाव आए ऐसे, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सोलापुर से आई सो मैं, तो सोलापुर में ये अपना मुस्लिम का पैगाम फैलने का सर साल में एक बार भी शो होना चाहिए। बहन की दरख्वास्त है कि ऐसा शो सोलापुर में भी हो। मेरी चाहत है कि दुनिया के हर शहर में ऐसा शो हो। जो हमसे हो सकता है थोड़ा बहुत हम अल्लाह की राह में कर रहे हैं, अभी आपका फर्ज है, आप इस शो को देखो और ऐसा शो आपके वहाँ करो। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो अल्लाह का पैगाम गैरों तक पहुँचाए। यहाँ माशाअल्लाह लाखों का मजमा है, पूरी दरिया है माशाअल्लाह इंसानों का, इसमें तकरीबन 20-25% गैर मुसलमान हैं। वालेकुम अस्सलाम अरमान कुरैशी भाई, वालेकुम अस्सलाम। अब मुसलमान का फ़र्ज़ है कि आपको पैगाम मिल चुका है अल्लाह की तरफ से, आप गैरों तक पैगाम पहुंचाओ। जो भी आपके हैसियत में हैं, जो भी आपके हैसियत में मुमकिन है वो कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और इंशाअल्लाह अगर हर मुसलमान ये पैगाम गैरों तक पहुँचाए तो हर शहर में ऐसा पीस कॉन्फ्रेंस होगा और दुनिया में सिर्फ अमन और सलामती रहेंगी। माइक नंबर 5 से खातून सवाल कर सकती हैं। हेलो सर, पालक लोयलका फ्रॉम हार्वर्ड, आई एम अ स्टूडेंट, आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग अबाउट द पर्सन हु सेड लाइक फर्स्ट आस्क्ड यू द क्वेश्चन
about idol worship. I'm a follower of Lord Krishna, and I just remember something that my aunt once told me, and I just wanted to say that. It's like when we do idol worship, it's when we see, we have a picture of them, or we can feel them. When you see them, you can actually feel what it is like, and you can praise them. It's what my perception is. So I just wanted to say that when related to the first person who asked you to, like, he doesn't know what he feels about idol worship. बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुद्ध परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कॉन्सेंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि लिखा है श्वेता सेतार उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तत्स्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपके मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कॉन्सेंट्रेशन के लिए, जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं, पहले पहले शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं, बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते हैं, आठवीं नौवीं दसवीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2+2=5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, दसवीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2+2=5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2+2=4 is the foundation। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है फोटो। भाई इस तरह है, आपने जो कमेंट किया है कि कठपुतली डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में आपने गलत अल्फाज इस्तेमाल किया है, ये सरासर गलत है। आप सच को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सच को बर्दाश्त करने का ताकत अगर आपके अंदर होता। इसने कमेंट किया है, आप सब इस कमेंट को पढ़ें, इसने क्या लिखा है। जाकिर नायक को कठपुतली भी कहा है और बोल रहा है कि झूठा जन्नत का लालच देता है, लेकिन ये बंदा ख़ुद बेवकूफ़ है, इसको कोई समझ नहीं है कि ये किस राह पर चल रहा है, और इसने ना कुरान मजीद को पढ़ा होगा, बेशक इस तरह बातें जो करता है वो ना कुरान मजीद के सेट में भी गुजरा नहीं होगा। तो ये जाकिर नायक को गलत कह रहा है, ये सरासर गलत है। तो आप इस जो जाकिर नायक के पेन हैं उस इसको अभी हम क्या बोलें, इस तरह के लोगों को हम क्या बोलें। जाकिर नायक को मैं स्टार्ट करता हूँ, इस तरह बेवकूफ़ लोगों को छोड़ देते हैं, वो बोलते रहे फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूँ कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूँ कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें ज़रूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की, हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए। और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है, और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो। भाई आप हिंदू हो, आप कौन हो, जैत जैत जो आपने नाम लिखा है, आपको ख़ुद पता नहीं है कि आपके, अगर आप हिंदू हो तो आपको ख़ुद पता नहीं है कि आपको किताबों में क्या लिखा हुआ है। आप किताबों में ख़ुद ये लिखा हुआ है कि एक अल्लाह को मानना चाहिए, एक अल्लाह का ना कोई अक्स है, ना अल्लाह ताला का कोई मूर्ति है।
अल्लाह का मतलब यही है कि वो ना किसी को समझ आए और ना किसी को नज़र आए। तो आप खुद इतने, आपका पास इतना अकल नहीं है कि आप इस बातों को समझें। अगर आप इस काबिल होते तो आप इस बातों को समझते। हम आपको यही तो समझाने जा रहे हैं कि ये लाइव स्ट्रीम इसीलिए कर रहे हैं, ये वीडियोज़ इसीलिए डाल रहे हैं कि आप लोग को अकल आए और आपके लिए ये हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमारा तो फ़र्ज़ है कि हम गैर मुस्लिम तक अपना दीन पहुँचाएँ और हम को लोग कर रहे हैं। आप एक दो जो नहीं समझेंगे उसको तो हम नहीं समझा सकते, बाकी आपके ऊपर है। हमारा ये काम है कि आपके पास हमारा इस्लाम का दीन आपके पास लेकर आए, और बाकी आप समझें नहीं समझें उसमें तो हमारा कुछ भी नहीं है। मैं डॉक्टर ज़ाकिर नायक को कंटिन्यू करता हूँ, इस तरह लोगों को अभी हम क्या जवाब दें? ज़ाकिर इस्लाम में ज़ीरो है। अगर ज़ाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगम्बर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूँ, चैप्टर नंबर वर्स नंबर, इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूँ मैं। आप चेक करो और जाके तहकी करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूँ बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? सर, आई कम्प्लीटली एग्री विद व्हाट यू सेड। माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। देयर इज अनदर पॉइंट ऑफ इट। सो ऑनेस्टली आई एम नॉट सच अ रिलीजन फॉलोअर। आई जस्ट बिलीव दैट आई हैव अ गॉड एंड even today I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita and when Bhagavad Gita abhi aage dekhna Dr. Zakir Naik is Bhagavad Gita ke bare mein bhi wo bahut se baatein bolenge jo Hinduism mein likha hua hai ki unke apne kitabon mein likha hua hai ki Allah ka na bhagwan ka na koi aks hai na koi bhagwan ek hai। To dosto stream ko like kare is tarah logon ki aur jalaye। ये लोग जल रहे हैं ना, इस तरह कमेंट कर रहे हैं। आप कमेंट को पढ़े, ये क्या क्या बोल रहे हैं। आप लाइक करेंगे तो ये लोग और जलेंगे। मुसलमान भाइयों लाइक करो। मैं कंटिन्यू करता हूँ डॉक्टर ज़ाकिर नायक को। Does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious. At least be little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? So I would like to say the reason I believe in idol worship. It is when I have a problem, a very big problem, all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna whom I worship, and it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish, you will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false god. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it. Read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation. And if you are satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. Hope that answers the question, sister. Ji, mic number 1 mein jo bhai hain, wo sawal karein. Is bhai ne sawal kiya hai ke मतलब नॉन मुस्लिम बनने के लिए दिमाग का ज़रूरत है, क्योंकि हमें जन्नत का लालच नहीं है और ना जहन्नम से हमें डर है। तो भाई आपको क्या लगता है कि ये जो ज़मीन है, ये जो आसमान है, ये जो ये ख़ुद से बन गए, इसका बनाने वाला कोई भी नहीं है। आपका घर में जो भी चीज़ है, आप ऐसा चीज़ मुझे बताएं कि जिसका मालिक नहीं है। आपकी कार का मालिक है,
आपके घर का कोई मालिक होगा, आपके काम जो जिधर आप काम करते हैं उसका भी कोई मालिक है। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसका मालिक नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये सूरज, ये पानी, ये समंदर, ये सब कुछ खुद ही पैदा हो गए और हम लोग खुद ही पैदा हो गए? तो सर आपकी कमेंटों से लग रहा है कि आपका जो दिमाग है वो सही नहीं है भाई। हम आपको क्या समझाएं? आप सोचे भाई, आप सोचे, आप गलत सोच रहे हैं। हम आपको क्या समझाएं? पर आप इतना गलत कमेंट भी कर रहे हैं, मसला नहीं है, आपके कमेंटों से तो कुछ नहीं होगा। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप और ज़ाकिर नायक को देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप कुरान मजीद की तर्जुमा करें, तर्जुमा पढ़ें। अगर आप हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी लैंग्वेज में करें, अगर उर्दू है तो उर्दू में करें, इंग्लिश है तो इंग्लिश में करें। तो मैं ज़ाकिर नायक को कंटिन्यू करता हूँ। Mic number 1. Good evening, Dr. Nayak. My name is Jay Nayak and I'm from the United States. I want to... ये बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, ये बहुत ही दिलचस्प सा सवाल है। और दोस्तों स्ट्रीम को लाइक करें, लाइक बहुत कम है यार, स्ट्रीम को लाइक करें, लाइक करें। इस सवाल को मैं कंटिन्यू करता हूं। I want to ask you a philosophical question about inequality. In the world we see inequality everywhere where some people are born poor, some are rich, some are Muslim, some are Hindu. Some babies die at birth, all sorts of different things happen. And not everyone is given the same opportunities. In Hinduism, they say that there's reincarnation, they give karma siddhant, and they try to explain it in that way. I wanted to understand what Islam's take on this is. The brother asked a very good question, that Hinduism believes in reincarnation. Hinduism believes that you have many births, because some people are born handicapped, some people heart disease, some people born healthy, some people poor, some people rich. So what is the justification? So actually, if you read the Hindu scriptures, in the Hindu scriptures, the highest scripture is the Ved. In Ved, nowhere will you find anywhere about the concept of cycle of birth, rebirth, birth, rebirth, never. This cycle is called in Sanskrit as samskara. Samskara means cycle of birth, death, birth, death. It's nowhere in Ved. It is the philosophy of the Hindu pandits that because they could not justify that how could God be unjust, that some people are born rich, some poor, some healthy, some handicapped. So to justify this, they came with their own philosophy. What does the Veda says is, there is Punarjanam. Punarjanam means, Punar means next, Janam means life. There is next life. Even Quran says that. There is next life, life after death. दोस्तों इस सवाल को स्किप कर दूं या इसी इंग्लिश में आप लोगों के लिए कंटिन्यू करूं? आप बताएं, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। आप ओके लिखे मैं स्किप कर लूंगा, या स्किप लिखे मैं वो स्किप कर लूंगा। अगर इंग्लिश सही है तो इंग्लिश ही कंटिन्यू कर लूंगा। Hereafter. So Ved matches with the philosophy of the Quran. This samskara philosophy is brought down by the Hindu pandits because they could not justify how come some human beings are born handicapped, some healthy, some poor, some rich. The justification is there in the Quran. The Quran says your children, your wealth are a test for you. It's a fitna. Fitna means it's a test. God is testing different human beings with different tests. When you appear for an examination, the question paper keeps on changing. If the same question paper is there, then where is the test? Quran says in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Alladhi khalaqal mauta wal hayata. It is Allah who has created death and life to test, who is testing which is good indeed. So wealth and your children are a test. Example, suppose there is a very pious family. The mother and father always pray to God. They are good human beings. Now, a handicap is born in the family. Now, God is testing them more that do they yet believe in God or not. Some people with weak faith will start saying, what is this God? I am so good, yet in my family is born a handicapped child. The person who is really believing in God, he says, Alhamdulillah, praise be to God. Now, when you appear for an examination, if you appear for a BA degree, the test is easy. If you appear for MBBS medical degree, it is more difficult. But more difficult the examination, more higher is the reward. If you appear for MBBS, the moment you pass, you get a doctor before your name, correct? More difficult the test, more higher is the reward. So Allah may be testing the parents. They have already passed the low test. After they pass the low test, Allah wants to give them a more difficult test. In their house is born a handicapped child. Now Allah wants to test them, yet do they believe in Allah or not? If they pass, they get Jannat-e-Firdaus, a higher level of paradise. Nowhere does the Quran say the handicapped child will go to hell. Every child is born masoom, innocent. Allah gives you wealth. God gives you wealth to test how do you spend the wealth. If you are poor, you have to give no zakat. The poor man gets 100 out of 100 in zakat. The rich man, he may give zakat, may not give. He may give part zakat.
he may get 0, he may get 10 out of 100, he may get 50, he may get 100. Poor man in zakat gets 100 out of 100. We say poor man, gareeb. Poor man has already got 100 out of 100 in zakat. So God Almighty tests different people in different way, some with wealth, some with health, some with difficulty. So this is a test for the hereafter. So this is the philosophy of Islam, not birth, death, birth, death. Veda says that, Quran says that you're born here again, Allah will cause you to die, Allah will resurrect you on the day of judgment. Then there will be hisab kitab, there will be whether you have done good deeds or bad deeds. If your good deeds are more, then inshallah you will go to paradise. Hope that answers the question. Dr. Naik, I still have a few questions. The time is very less. Is it possible we can give someone else a chance? The time is less, we have to end the question answer session. चतुर्वेदी है और मैं बॉम्बे में 2 साल से एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप इस्लाम को इतने प्रैक्टिकल तरीके से और प्रॉपर तरीके से इस्लाम जो आवाम है उसमें उसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा तहे दिल से। सवाल मेरा ये है कि मैं एज इंडिविजुअल मैं सोचता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ और मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, हिंदू में पैदा हुआ हूँ और मैं नॉन वेज खाता हूँ, मेरे पिताजी के द्वारा मतलब बाई बर्थ चला आ रहा है, बट माई सोल इज़ नॉट ऑलवेज एक्सेप्टिंग दिस एक्ट ऑफ लाइक जो गोश्त खाना है। जैसे आपने अभी अपने नॉर्मल सवालों में भी बताया कि गोश्त खाना कितना ठीक है कितना नहीं ठीक है, लेकिन माई सोल इज़ नॉट एक्सेप्टिंग कि ये गलत है। हम अपने बच्चों को जरा चोट लगती है तो हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते, कितना दर्द होता है, कितना पश्चाताप करते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी कुर्बानी होती है हाँ, और उनमें ऐसा क्यों नहीं होता, हम ऐसे जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? भाई साहब कहना चाहते हैं कि उन्हें तकरीर सुनी है और मेरी तकरीर से मुतासिर हुए कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ और सही तरीके से। भाई साहब का सवाल है कि वो नॉनवेज खाते हैं लेकिन दिल संतुष्ट नहीं है। नॉनवेज दिल संतुष्ट है तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ दूंगा भी, ऐसा है। मेरा जवाब सुनिए भाई साहब, आपने सवाल तो पूछ लिया है ना। हाँ, जवाब तो सुनिए। हाँ बिल्कुल। पूरा हुआ क्या जवाब? शुरू हुआ है। इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। आप अच्छे मुस्लिम बन सकते 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, फर्ज नहीं है इस्लाम में। लेकिन मैंने जो आपको दलील दी वो ये दलील दी कि आप जो कहते अपने बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है आपको, तो जानवर को चोट लगती दर्द होना चाहिए ना, तो पेड़ पौधे को चोट होती आपको दर्द नहीं होता है, कैसे इंसान है आप? वही तो मेरा सवाल है कि उसमें हम जस्टिफाई क्यों नहीं करते हैं, हमारा ये है कि इसीलिए मैं कहता हूँ। लेकिन पेड़ पौधों की चीख आपको सुनाई नहीं देती, आपने मेरा जवाब सुना कि नहीं? मैं जो जवाब दिया, 8वीं गलत फहमी गोश्त के बारे में, मैं साफ तौर से कहा कि पेड़ भी चीखती है, उसकी चीख सुनाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूँ, आपका बच्चा गूंगा है, आप उसको चुभोते, हाथ काटते उसका, वो रोता है सुनाई नहीं देता, तो खुश है क्या आप? मैं खुश नहीं हूँ, इसीलिए तो मेरा समाधान मैं आपसे बोलता हूँ। मैं तो आप भाजीपाला क्यों खाएंगे फिर? भाजीपाला भी मत खाओ, आप जिएंगे कैसा? आप जब सांस लेते जरासीम जाते हैं आपके जिस्म में, जरासीम जर्म्स जाते, जर्म्स की भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है, आप उनका कत्ल क्यों कर रहे? आप खड़े अभी हर मिनट आप सांस ले रहे, हजारों जर्म्स का कत्ल कर रहे, क्यों कर रहे, कैसे इंसान है आप? जवाब दो, आप कातिल है? ठीक है, जो नहीं दिखता है उसमें तो हम लोग कुछ क्या ठीक नहीं है, नहीं दिखता है का मतलब अपने ट्रेडिशन को, जैसा हम लोग पैदा होते हैं जो चीज फॉलो करा दी जाती है या उसको थोप दिया जाता है उसी को हम फॉलो करते चले आते हैं। मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है का, मैं मानू नहीं, वही तो मैं मान नहीं रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे समाधान चाहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि साइंस अभी तरक्की कर चुकी है, साइंस कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है, जानवर में भी जान है, जो जानवर खाने के लिए बनाए गए उसको खा सकते हैं, जो जानवर से नुकसान होते मत खाइए, साइंस टेक्नोलॉजी कह रही है। ये आपके परदादा जो कह रहे कुछ सही कहते थे कुछ गलत कहते थे, जो सही कहते उसके ऊपर अमल करो, जो गलत कहते थे छोड़ दो। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? मैं 100% उस चीज को नहीं सही कह सकता हूँ कि गलत या सही है। गलत है या सही है? मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उसको सही मानता हूँ। फॉलो कर रहे इसलिए सही मानते, आप चोरी करेंगे तो चोरी सही हो जाती है? चोरी? नहीं, नहीं, आप नहीं करते। अगर एक इंसान बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूँ इसलिए सही है, नहीं, तो ये सही दलील है? नहीं नहीं नहीं, चोरी वो नहीं, मैं कहता हूँ कहा गया है, मैं पूछता हूँ, अगर एक चोर दलील देता है आपको कि मैं चोरी करता हूँ इसलिए सही, आप वो दलील को मानेंगे?
तो वो समाज के द्वारा बता दिया गया कि चोरी गलत है, इसलिए हम उसको गलत क्योंकि उसमें आपके किताब में साफ तौर से किसी का अहित होता है, किसी का अहित होता है। भाई साहब, आपकी किताबों में साफ तौर से लिखा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, बुत परस्ती गलत, फिर भी आप कर रहे। मुझे सर उतना अवेयर होता तो मैं यहाँ क्यों आता, इतना मनुष्य में आप अगर आ गए इधर तो अभी पूछ रहा हूँ, अभी अवेयरनेस आया कि नहीं? अभी आप 3 घंटे से इधर है, अभी आप अवेयर नहीं होंगे तो आने का फायदा क्या आपके? आप इतने घंटे से है इधर, मेरी तकरीर सुन चुके हैं, सवाल जवाब सुन चुके हैं, इतने हवाले दिया, मैं चैप्टर नंबर वर्स नंबर वेद का उपनिषद का वो मैंने लिखा अभी अभी माश लिख लिए तो अभी आपको यकीन हुआ कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत इमेजिनरी चीज को मैं गलत तो नहीं मान सकता। आप घर पे जाके तहकीक कीजिए भाई साहब, घर पे जाके तहकीक कीजिए और तर्जुमा पढ़िए वेद का जी, आपके उपनिषद का, और मैं कहूंगा कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़िए। माइक नंबर 3 में कोई भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम आनंद है, मैं जोधपुर से आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने कल कल्कि अवतार के बारे में बताया था, उसमें बताया था कि मोहम्मद पैगंबर साहब कल्कि अवतार से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। दोस्तों, इस आदमी ने इस तरह का सवाल किया है कि डॉक्टर जाकिर नायक किस पर गुस्सा हो गए बिल्कुल। दोस्तों, इस स्ट्रीम को लाइक करें, लाइक करें, लाइक बहुत कम है आज, लाइक बहुत कम है। तो इंशाल्लाह मैं इस तरह के लाइव आपके साथ एक दिन में, हर दिन तो नहीं हो सकता लेकिन 2 दिन में या 3 दिन में मैं इंशाल्लाह लाइव आऊँगा। तो इस सवाल को देखते हैं, ये बहुत ही दिलचस्प सा सवाल है, यकीनन बहुत दिलचस्प है। तो कल्कि अवतार विष्णु भगवान का ही एक अवतार है, उसके हिसाब से हम लोग जो विष्णु भगवान को मानते हैं, आप लोग भी विष्णु भगवान के एक अवतार को ही मानते हैं, उस हिसाब से आप सभी भगवान विष्णु को ही अल्लाह मानते हैं, जो आप खुदा कहते हैं वो भगवान विष्णु ही है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है भाई का। उसने कहा जब आप कहते हैं कल्कि अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अवतार विष्णु की दूसरी, अभी तो जाकिर नायक इस पर सोख्ता नहीं हुआ है, लेकिन बाद में जाकिर नायक इस पर सोख्ता होंगे, क्योंकि इस तरह बातें ये करता है फिर जाकिर नायक लाजमी है कि सोख्ता होंगे। अकल है तो आप विष्णु में मानते हैं। भाई साहब, मेरी पूरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में, पूरी तकरीर में आप सुनेंगे, उसमें मैं साफ तौर से अवतार के मानी क्या है। अवतार जो कहते हैं भगवान की मूर्ति, ये आम हिंदू कहते हैं। अवतार संस्कृत वर्ड है जो आता है औ और त्र से, औ टू डिसेंड, त्र मतलब डाउन, नीचे आना, उसका मतलब है कि खुदा ने पैगंबर भेजा है। अवतार का सही तर्जुमा है पैगंबर, ये मतलब नहीं कि भगवान की मूर्ति या भगवान की शक्ल। अवतार की सही मानी संस्कृत में है पैगंबर, तो हम कहते हैं वो अल्लाह का पैगंबर है, और अल्लाह का आखिरी पैगंबर कल्कि अवतार जो जिक्र है आपकी किताबों में कल्कि पुराना में, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो फ़र्क ये है कि अवतार की मानी आप जानते नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? और भी पैगंबर आ सकते हैं? आ सकते ने, बहुत से आ चुके, 1,24,000, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। आपके किताब में लिखा है कल्कि अवतार आखिरी पैगंबर है, हमारी किताब में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, उसके पहले बहुत आ चुके हैं। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि खुदा एक है? भगवान एक है। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? आप मानते हैं? मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन आप अगर अरब कंट्रीज में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे जितने अरब कंट्री को छोड़ो भाई साहब, मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं बम्बई में, आप बॉम्बे में, टाइम बहुत कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा में, अरब कंट्री को छोड़ो, हम बम्बई शहर में, आप मूर्ति पूजा को मानते हैं? जितने भी मुसलमान हैं, अगर उनके किसी के घर में जाके देखो ना, उनके अगर फादर चल गए हैं तो वो उनकी फोटो लगाते हैं, तो वो फोटो भी एक मूर्ति पूजा ही हो गई ना। भाई साहब ने कहा अगर कोई मर जाते हैं उनके फादर, फादर की पेंटिंग लगाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, वो भी गलत है, हमारे घर में नहीं है। मैं तो सैकड़ों मुसलमान के घर में गया, मैं फोटो नहीं देखा हूँ। अगर जो मुसलमान के घर में आपने देखे और वो फोटो की पूजा करता है, वो भी गलत है। आप वैसे मुसलमान मत बनो।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? मैं तो सही मानता हूँ। हाँ तो आप अभी अपनी किताब पढ़ो, मैं किताब का हवाला दे चुका हूँ, श्वेता सेतार उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। तो आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो तर्जुमे के साथ, इंशाल्लाह सही रास्ते पे आएंगे। मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद पढ़ो। ये बात है ये भाई, एक भाई है जो कमेंट में बातें बोल रहा है, जाकिर नायक को भी गालियाँ दे रहे हैं और मुझे भी गालियाँ दे रहे हैं। तो इन भाइयों को ये करना चाहिए कि वो कुरान मजीद को पढ़े ताकि वो लोग सही समझें कि दरअसल इस्लाम है क्या। तो उन लोगों को तब समझ आएगा जब वो कुरान को पढ़ेंगे। तो ये लोग कमेंट में तो गालियाँ दे रहे हैं, अभी मैं तो ये मुझे चैलेंज दे रहे हैं कि आप मुझे गालियाँ दो, लेकिन हमारा मज़हब हमें ये नहीं सिखाता कि हम किसी को गालियाँ दें। हम आपके लिए प्यार और मोहब्बत से बात करेंगे, आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते हैं नहीं करें, और इस तरह कमेंट करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो और इंशाल्लाह आप हिदायत पाएंगे। वक्त की किल्लत होने की वजह से हमें सवाल जवाब का सेशन ख़त्म करना होगा, लेकिन सवाल जवाब सेशन ख़त्म करने के पहले अगर कोई नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम ख़वातीन के शोबे में से या मर्द के शोबे में से इस्लाम कबूल करना चाहता है तो वो आगे आ सकता है या आखिरी मौका है? माइक नंबर 1 पे कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है? कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है? भाई साहब आपका नाम क्या है? राजू। राजू भाई साहब आपका नाम क्या है? अमूल। अमूल आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। माशाल्लाह आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी दबाव? नहीं। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? हाँ। अपने खुले जहन के साथ? हाँ। इंशाल्लाह मैं उस माइक पे देखूंगा। माइक नंबर 2 पे कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है? नहीं। माइक नंबर 3 पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम शिवाजी है। शिवाजी आप इस्लाम कबूल करना चाहते? हाँ चाहता हूँ, मैं कर्नाटक से आया हूँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ मानता। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ बिल्कुल गलत। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं कोई नहीं कोई नहीं। कोई भी दबाव? कुछ भी नहीं। कोई भी माशी दबाव? नहीं नहीं। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं नहीं। आप खुले दिल से करना चाहते? पूरे दिल से करना चाहता हूँ। अपने खुले दिमाग के साथ? हाँ। इंशाल्लाह मैं भी करवाऊंगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। भाई साहब सवाल आप बाद में कर सकते हैं, वक्त की किल्लत है, हमें खत्म करना चाहिए प्रोग्राम। आप इंशाल्लाह स्पीकर लॉन्ज में आ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। माइक नंबर 4 पे खवातीन के शोबे से कोई भी खवातीन गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहती है? हेलो, ये आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम मनीषा है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने दिल से इस्लाम एक्सेप्ट किया है और मैं 2 साल से मतलब ईमान ला चुकी हूँ। माशाल्लाह। और मैं पिछले साल भी पूरे रोजे रखी हूँ और इस साल भी रखी हूँ। माशाल्लाह। और मेरे फ्रेंड सर्कल से मुझे इस्लाम की पूरी जानकारी मिली है और मैं जब वक्त मिले तो नमाजें भी पढ़ती हूँ। माशाल्लाह। और मेरा सवाल अभी है कि मैं हिंदू कल्चर से हूँ और अभी मेरे लिए कोई लड़का देख रहे मेरे माँ बाप, हिंदू लड़का, और मैं तो दिल से इस्लाम एक्सेप्ट क्यों, तो मैं हिंदू के वो सब फॉलो नहीं कर सकती, मूर्ति पूजा वगैरह मैं नहीं कर सकती और मुझे इंटरेस्ट है इस्लाम में, अभी उससे मैं पीछे नहीं जा सकती हूँ। और फिर मेरी प्रॉब्लम है कि मैं मेरे मम्मी डैडी को कैसे इसके बारे में बताऊँ। बहन मेरी दरख्वास्त है कि आप इस्लामिक मैरिज ब्यूरो में आपका नाम दीजिए, आपके क्राइटेरिया दीजिए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस इस्लामिक ब्यूरो से आपको कोई अच्छा मुसलमान लड़का मिल जाएगा। हम दुआ करते हैं ताकि आप उसको अपना हमसफर बना सके और इंशाल्लाह आप उसे ज़िंदगी बसर कर सकें। जी मुझे एक ही पूछना है कि सवाल जवाब ख़त्म हो चुका है, वक्त बहुत कम है बहन, आप बाद में ख़वातीन के शोबे में सवाल पूछ सकती है, वक्त की किल्लत है। मैं पूछना चाहता हूँ माइक नंबर 5 पे 5वें माइक से कोई भी ख़वातीन गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहती है? नहीं कोई नहीं। इंशाल्लाह 4 भाई इधर है, माइक नंबर 1 पे 2 भाई है, माइक नंबर 3 पे 2 भाई है, मैं इंशाल्लाह शहादा कहूँगा अरबी में, आप उसे दोहराइए, अशहदु
अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलु व रसूलु। मैं शहादत देता हूं, मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह के अलावा, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं, और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुके और मैं दुआ करता अल्लाह सुब्हान व तआला से कि आपको इंशाल्लाह हिदायत दे, आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे और दुआ करता हूँ कि आपको जन्नत नसीब फरमाए। वक्त की किल्लत होने की वजह से हम इस सवाल जवाब सेशन को ख़त्म करते और दरख्वास्त करते कि हमारे जो भी मुकर्ररीन हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में आ चुके, और मैं दावत देता हूँ कि शेख सऊद शरीम वो इंशाल्लाह स्टेज पर आ सके, और शेख फैज़ रहमान से कहता हूँ कि मुकर्ररीन को बुलाए। अब मैं सबसे पहले इमाम हरम शेख सऊद शरीम अलान अल्तमिस बिन फजीलत शेख सऊद शरीम हफिदहुल्लाह ये तकदम लना अलमिनस्सा, उसके बाद मौलाना फजीलुर रहमान कासमी, मौलाना अबू ज़फ़र हसन नदवी, शेख अशफाक सलफ़ी, मौलाना एजाज़ असलम, मुफ्ती शकील सीतापुरी, मौलाना खालिद नदवी गाज़ीपुरी, शेख ज़फ़र आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मौका मिला। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर ज़ाकिर नायक का खूबसूरत सा लेक्चर जो डॉक्टर ज़ाकिर नायक ने कुछ साल पहले इंडिया में किए थे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आए होंगे और आपने इससे इंजॉय किया होगा। बहुत से लोग थे जो कमेंट में बोल रहे थे, लाजमी बात है गालियाँ भी दे रहे थे, लाजमी बात है कि वो लोग जलते हैं कि हम लोग इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग जलते हैं, गैर मुस्लिम होंगे लाजमी बात है जिसने कुरान मजीद को नहीं पढ़ा होगा। तो मैं आपको आपके कमेंटों को भी इंशाल्लाह पढ़ूंगा, अभी मैं फ्री हुआ हूँ। आपके मन में जो भी सवाल हो आप सवाल कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल के हवाले से हो या कोई ऐसा काम हो कि मेरे वजह से आपको भी हेल्प मिले तो इंशाल्लाह मैं करूँगा, कोई क्यों नहीं। अगर जिस भाई का भी कोई भी सवाल हो, अभी मुझे 200 लोग तकरीबन देख रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर ज़ाकिर नायक को और कंटिन्यू करूं तो मैं ज़ाकिर नायक को लगा दूंगा। ज़ाकिर नायक का एक दूसरा खूबसूरत सा लेक्चर है जो मैंने स्किप किया था, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखें कंटिन्यू, तो मैं इंशाल्लाह उसको भी कंटिन्यू कर लूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आज के लिए बस है तो इंशाल्लाह अभी के आज के लिए बस कर देते हैं। यार ऐसा क्या है, क्या है, क्या है? जी भाई आपने क्या बोला है, ठीक है जो आपने बोला है वो सही है, नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग, मैं इसको कंटिन्यू करूं, कंटिन्यू कर लूं? देखते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नायक का इस तरह खूबसूरत सा लेक्चर था, मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ वापस से। आपने देखा नहीं है, आपने देखा नहीं है, खुशी महसूस हो रही है। डॉक्टर ज़ाकिर नायक शुरू में आए और उसने ये आज की आखिरी लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज भाई और बहनों, और पीस टीवी पे लाइव देखने वाले करोड़ों नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकबूल भाई अल्लाह हाफिज़, आपके अल्लाह हाफिज़, बहुत मेहरबानी यार, आपने बहुत ज़्यादा मेरा ये लाइव देखा है, तकरीबन मैं बहुत टाइम से आपको देख रहा हूँ, आपने बहुत ज़्यादा मेरा लाइव देखा है, मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। आप जानते हैं कि मैं अक्सर तकरीर अंग्रेज़ी में करता हूँ, चंद मौके पर कोशिश करता हूँ कुछ बात उर्दू या हिंदी में कहूँ, क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है, ज़ाहिर है कि इस उर्दू या हिंदी तकरीर में मैं गलतियां करूंगा, इसीलिए तकरीर के आगाज़ के पहले मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप। तो दोस्तों आज के लिए एंड करता हूं, मैं भी बहुत थका हूं, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूं, तो इंशाल्लाह फिर कल या परसों फिर मुलाकात करेंगे इसी चैनल पर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह के ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीम आपको मिलते रहें। अगर आपका कोई सवाल हो मैं आपके लिए बैठा हूँ, तो आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।
लाइव तो मैं दो दिन में कर रहा हूँ, तकरीबन दो दिन में या हफ्ते में एक बार आ रहा हूँ, लेकिन वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और स्ट्रीम को लाइक भी करें। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।